वेलकम प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए प्यारे दोस्तों, काफ़ी समय बाद मैं इस चैनल पर दोबारा से आया हूँ। कुछ दिक्कतें थीं तो इसकी वजह से मैं चैनल पर वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था कंटिन्यू। तो देखिए आज से आपके वीडियो कंटिन्यू आएंगे। तो देखिए जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ और जिस टॉपिक में आगे वीडियो आपके आएंगे, ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर क्लियर हुआ है फायरमैन और जेल वार्डर की, इसका जो एग्ज़ाम डेट क्लियर हुआ है वो हुआ है सितंबर लास्ट वीक में। ठीक है, आपका जून पूरा ख़त्म हो चुका है। आपके पास क्या बचा है? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। मींस आपके पास 3 मंथ्स अभी हैं। ठीक है, 3 मंथ्स में आपको क्या करना है? मैथ, रीजनिंग, ठीक है, आपको जीके, ये आपको पढ़ना है। तो मैं जो करूँगा कवर वो मैथ और रीजनिंग का करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि सबसे पहले जो मैंने सोचा हुआ है कि कोई भी टॉपिक हुआ, मान लीजिए अगर मैं मैथ की बात करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए कोई टॉपिक है, तो इसके 5 to 8 क्वेश्चन मैं पर डे लाऊँगा अलग अलग टाइप के। ठीक है, और सारे वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक के डले हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए SI का हो गया, ये आपका रीजनिंग का कोई पार्ट हो गया। मान लीजिए आपका हो गया ब्लड रिलेशन, तो इसके मैं 5 क्वेश्चन लाऊंगा अलग अलग टाइप के, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए 5 क्वेश्चन ही रखूंगा मैं, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा समय दूंगा, उस क्वेश्चंस में थोड़ा ज़्यादा समय दूंगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए आपका हुआ नंबर सीरीज, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो नंबर सीरीज का मान लीजिए मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पर उठा लिए, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप से आपका ये होगा, तो उसको हम यहाँ पर बताएंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि 3 मंथ्स में आपके जो भी टॉपिक्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम या जो भी आपका सिलेबस है, जो भी मैथ का सिलेबस है, जो भी पुलिस में पूछा जाता है, काफ़ी सारे पेपर्स मेरे पास हैं। ठीक है, और पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए थे पुलिस के, सभी मेरे पास हैं, इवन SI तक के। तो सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा और वही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, उनसे सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन हैं, वो अलग से मैं जो है मॉक टेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो आपको बस ये बताना है कि सबसे पहले मैथ को स्टार्ट करूँ या रीजनिंग को। अगर आपके कमेंट 1 हुए तो वही टॉपिक करूँगा, और अगर नहीं हुए तो मैं फिर अपने हिसाब से लेकर चलूँगा कि क्या मुझे स्टार्टिंग करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स ज़्यादा पोर्शन है आपका। ठीक है, और रीजनिंग को ही आपको ज़्यादा मजबूत बनाना है और मैथमेटिक्स को। ठीक है, क्योंकि इसमें ही आपका स्कोर ज़्यादा होगा। ठीक है, GK की बात करूँ तो ये आपको पढ़ते रहना और करंट अफेयर पर भी ज़्यादा ध्यान आपको देना है। ठीक है, करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले वीडियो जो बनाया था कि आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ, आप किस टाइप से आप पढ़ना चाहते हैं और कौन सा टॉपिक पहले आप चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है कल से या आज से ही वीडियो, अगर आपने जल्दी कमेंट्स में थोड़े ज़्यादा कमेंट्स अगर आ गए तो हो सकता है इवनिंग तक एक वीडियो आ जाए, वरना कल से कंटिन्यू वीडियो आपके आएंगी। ठीक है, तो आप अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उसी के हिसाब से मैं उसी के बेसिस पर आपका जो है टॉपिक चालू करूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो आप लोग देख सकें और आपकी ये तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, उसी बेस पर करेंगे जो भी आपके जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अच्छे से करूँगा एक्सप्लेन। एक वीडियो में 5 to 6 क्वेश्चन ही मैं लेके आऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक्सप्लेन करना है, पूरा अच्छे से बताना है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।